बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब टुगेदर्स में एक और वीडियो के साथ आप लोगों को खुशामदीद। इससे पहले मैंने एमएस वर्ड्स की बेसिक्स की दो वीडियोस अपलोड की हैं और एडवांस का जो एडवांस शॉर्टकट कीज़ हैं एमएस वर्ड्स की, वो इसका एक वीडियोस का एक पार्ट मैंने शेयर किए हैं। ये दूसरा पार्ट है। अगर अभी तक आप लोगों ने भी वीडियोज़ आप नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख लें, उसकी जो लिंक्स हैं वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में दे दिए हैं। तो इस वीडियोस को देख लें और फिर ये वीडियो देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही अगर आपको मेरी ये सारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक और सब शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, मैं तकरीबन 14 जो एडवांस शॉर्टकट कीज़ थे एमएस वर्ड्स की, वो मैंने आप लोगों को बताई है, शेयर की है आप लोगों के साथ। आज मैं 15 नंबर का F7 अगर हम प्रेस कर ले तो सेलेक्टेड आइटम्स, जितना भी वो टैग्स हैं उसमें अगर स्पेलिंग की कोई मिस्टेक्स हो, ग्रामर की कोई चेकिंग हो या स्पेस का कोई मसला हो, तो ये F7 के ज़रिए से हम इसको हल करते हैं। कंट्रोल अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एस शिफ्ट, यानी डॉक्यूमेंट को जो है ना स्प्लिट करना। सपोज मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली अल्टर थोड़ा सा आप उसे देख ले, अल्टर कंट्रोल एस। पहले मैं वो एक पैराग्राफ लेकर आता हूँ ताकि समझ आ जाए आप लोगों को। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, मतलब इस डॉक्यूमेंट को दो विंडोज में स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो अल्टर एंड एस के साथ। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने स्प्लिट किया, दो जो है ना विंडोज़ में इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है। तो इसी तरह से आप अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एस के साथ किसी भी डॉक्यूमेंट को आप स्प्लिट कर सकते हैं। दो तीन अल्टर प्लस F4 को, इसके ज़रिए से आप किसी भी प्रोग्राम को आप क्लोज कर सकते हैं। सपोज़ अल्टर प्लस F4, तो देखिए ये एक ऑप्शन आ गई है कि आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो मैं इसको सेव या जो भी करना चाहते हैं फिर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डी करंट डैश जो है ना वो एंटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अल्टर शिफ्ट डी। तो आज का जो करंट डेट है वो 10/7/2020 जो भी है वो इंसर्ट हो जाएगी जो करंट डेट होगी। इसी तरह से करंट टाइम के लिए आप जो है ना अल्टर शिफ्ट टी को प्रेस कर लें तो ये करंट टाइम जो है ना डिस्प्ले हो जाएगी जो करंट टाइम है। शिफ्ट प्लस एरोस कीज शिफ्ट, और इसी तरह से एरोस के ज़रिए से आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ तक आप मतलब कैरी ऑन करना चाहते हैं अपनी सेलेक्शन। शिफ्ट प्लस होम सेलेक्ट द लाइन फ्रॉम द एंड टू स्टार्ट, यानी शिफ्ट प्लस होम हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि हम एंड से जो है ना स्टार्ट तक सारे लाइंस को सेलेक्ट कर लें, और शिफ्ट प्लस एंड को हम सेलेक्ट द लाइन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट से लेके आखिर तक के लाइंस को हम सेलेक्ट कर लें, इसके लिए हम शिफ्ट प्लस एंड को यूज़ करते हैं। विंडोज़ जो की है, जो कीबोर्ड्स में आप देख लें इसमें विंडोज़ की पड़ी है की होगी, उस की को प्रेस करने के साथ साथ और आप प्लस कंट्रोल सॉरी की विंडो की प्लस एम को प्रेस कर ले या डी को कर ले तो इसकी विंडो को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अब मिनिमाइज कर दिया।
तो इसी तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हैं या एम के साथ या डी के साथ। कंट्रोल अल्टर प्लस डी, स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू एनदर प्रोग्राम। अल्टर प्लस टैब, सॉरी अल्टर प्लस टैब। इसी तरह से आप किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं कि जिस प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं तो उसी प्रोग्राम में आप जा सकते हैं अल्टर प्लस टैब के ज़रिए से। डबल क्लिक, किसी भी वर्ड पे अगर हम डबल क्लिक कर लें तो वो वर्ड सेलेक्ट होगा, अगर हम ट्रिपल सेलेक्ट कर लें तो वो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। तो इसी तरह से ये डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस वन या कंट्रोल प्लस टू या कंट्रोल प्लस फाइव, ये लाइन स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। सपोज मैं लाइन स्पेसिंग करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ मैंने अगर वन दबाया तो ये लाइन स्पेसिंग वन में है, अगर मैं कंट्रोल प्लस टू तो ये इज़ 1 पॉइंट, सॉरी। और इसी तरह से अगर कंट्रोल प्लस F5, 0.5 की लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तीन किस्म की ये लाइन स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो कंट्रोल प्लस वन 1 पॉइंट, ये पहला जो कंट्रोल प्लस वन है 1.0 का है, फिर जो मैंने बताया 1.5 का है, और इसी तरह से 2.5 की जो लाइन स्पेसिंग के लिए हम कंट्रोल प्लस F यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वस